वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन के बारे में, डिफरेंट यूजेस। इसे हम एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई काम करने की सलाहियत हो। मैरी कैन स्विम वेरी फास्ट, तो मैरी में एबिलिटी है, सलाहियत है फास्ट स्विम करने की। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मुझ में सलाहियत है इंग्लिश बोलने की, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकता है। रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए भी कैन को यूज़ करते हैं। कैन यू कॉल मी टू नाइट। अच्छा, कैन का इस्तेमाल जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी है। आई कैन मीट यू लेटर, तो ये मुमकिन है कि मैं लेटर आपसे मिल सकता हूँ थोड़ी देर बाद। और सजेशंस के लिए भी हम कैन को इस्तेमाल करते हैं। यू कैन ईट रेवियोली इफ़ यू लाइक पास्ता, तो यहाँ पे सजेशन है रेवियोली खा सकते हैं अगर आप पास्ता पसंद करते हैं। बी एबल टू, वही इस्तेमाल है जो कैन का है। बी एबल टू को हम वर्बल टेंसेज में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन को हम नॉर्मली प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है, आई वॉज एबल टू फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम। अब कैन का नेगेटिव है कैंट या कांट कह लीजिए आप उसको। इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट, या कोई काम मुमकिन ना हो या फिर लैक ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी हो। मैरी कैंट स्विम वेरी फास्ट, तो ये उसकी इम्पॉसिबिलिटी है या फिर उसकी डिसेबिलिटी है। पहले था मैरी कैन स्विम वेरी फास्ट, अब यह है कांट स्विम। कांट स्विम का मतलब ये एबिलिटी नहीं है उसमें। आई कैंट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, तो ये डिसेबिलिटी हो गई। इसी तरह से आई कैंट ईट अ होल केक बाई माई सेल्फ, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये भी लैक ऑफ एबिलिटी आ गया। प्रोहिबिशन है, यू कांट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, तो यहाँ मना हो गया, ममनू हो गया, ड्राइव नहीं कर सकते लाइसेंस के बगैर। डिसबिलीफ है, दैट कांट बी द प्राइस, इट इज़ टू चीप, तो यहाँ पर क्या है, डिसबिलीफ है। कुड का इस्तेमाल, कैन का माजी कुड है। पास एबिलिटी के लिए आसान लफ्ज़ों में आप कह लें, जैसे प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए आप कैन यूज़ करते हैं, पास में कुड यूज़ करते हैं माजी में। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड थी तो वो तेज़ दौड़ सकती थी। आई कुड राइड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था मैं साइकिल चला सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड को इस्तेमाल करते हैं। कुड यू हेल्प मी विद दीज सूट केसेस, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट सजेशंस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कुड एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दियर फूड, ये सजेशन है। फिर उसके बाद है पॉसिबिलिटी, मार्क कुड ज्वाइन अस द सिनेमा। कैन के मुकाबले में लेस प्रोबेबिलिटी है इसमें। कैन मिसाल के तौर पे 50%, मार्क कैन ज्वाइन अस द सिनेमा, और 40% चांसेस है कि मार्क कुड ज्वाइन अस द सिनेमा। मे और माइट का इस्तेमाल दोनों पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे का इस्तेमाल जो है वो मिसाल के तौर पे 40% चांसेस हैं बारिश होने के, तो माइट का मतलब 30% चांसेस है, लेस चांसेस। मिसाल के तौर पे इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है 40% चांसेस। इट माइट रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो सकती है 30% चांसेस हैं। मे का इस्तेमाल पोलाइट वे क्वेश्चन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, या फिर आप इसको सवाल बना रहे पोलाइट वे में, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये क्या है, पोलाइट इस्तेमाल है मे का सवाल बनाने के लिए। वुड का इस्तेमाल फॉर्मल वे है सवाल बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, मेहरबानी करके आप विंडो खोलेंगे, या फिर इसके साथ लाइक वर्ब यूज़ करते हैं, वुड लाइक या वुड लाइक टू। ऑफर या फिर इनविटेशंस के लिए, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, या वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वुड लाइक या वुड लाइक टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज में। मस्ट और हैव टू है, दोनों को हम ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मस्ट जो है वो पास और प्रेजेंट तक है, और हैव टू को हम ऑल टेंसेज में यूज़ कर सकते हैं, पास प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे इसकी एग्जांपल है, यू मस्ट ब्रिंग योर बुक्स टू क्लास, लाजमी तुम्हें अपनी किताबें लानी हैं क्लास में, या फिर इसको आप इस तरह हैव टू में कह सकते हैं, यू हैव टू ब्रिंग द बुक्स टू द क्लास, तुम्हें लानी है किताबें। या आई हैव टू बाय द टिकट्स टुडे, हैव टू का इस्तेमाल ये हुआ कि ऑब्लिगेशन है, मुझे किताबें लानी है, लानी पड़ती हैं, या मुझे टिकट खरीदने हैं, टिकट खरीदने पड़ते हैं। या आई विल हैव टू बाय द टिकट्स टुडे, मुझे ख़रीदने पड़ेंगे।
ठीक, आई हैड टू पास में हो जाएगा, आई हैड टू बाय द टिकट्स यस्टरडे, मुझे कल टिकट खरीदने पड़े, तो इसका इस्तेमाल आप पास प्रेजेंट में भी कर सकते हैं फ्यूचर में। मस्ट को लॉजिकल डिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल रीज़न के लिए कि शी हैज़ गॉट अ ग्रेट जॉब, शी मस्ट बी वेरी हैप्पी, तो वो हैप्पी होगी, लाज भी बहुत हैप्पी होगी, खुश होगी। क्यों खुश होगी? क्योंकि उसकी एक अच्छी जॉब लगी है। तो ये लॉजिकल डिडक्शन कंक्लूजन इसका क्या है, रीज़न कि उसकी एक अच्छी जॉब लगी, तो शी हैज़ गॉट अ ग्रेट जॉब, शी मस्ट बी वेरी हैप्पी, तो लॉजिकल डिडक्शन इस सेंटेंस में। फिर शुड है और ऑट टू है, दोनों एडवाइस ओपिनियन के लिए यूज़ होते हैं। शुड ज़्यादा फ्रीक्वेंट है उसके मुकाबले में, ऑट टू के मुकाबले में। इसकी एग्जाम्पल को हम समझते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ऑट टू का सेंटेंस बनाना ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्ट्रेंज हो जाता है, इसलिए शुड को रिटन में, स्पोकन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यू शुड इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, आपको अपनी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करनी चाहिए, तो ये शुड का इस्तेमाल चाहिए, सजेशन, ठीक, तो एडवाइस भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप ऑट टू भी यूज़ कर सकते हो, यू ऑट टू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, ठीक, लेकिन इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऑट टू के मुश्किल होंगे, यू ऑट नॉट टू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन। लेकिन शुड की अगर आप बात करें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना आसान है, यू शुड इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, यू शुड नॉट इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, शुड यू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, ठीक। उसके बाद है शैल, शैल को हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जब कोई ऑफर पेश करें, कोई सजेशन दें, तो तब हम यूज़ करते हैं शैल। मिसाल के तौर पे मैं अंदर आना चाह रहा हूँ, शेल आई कम इन, या अगर मैं ये कहूँ मैं आगे बढ़ूँ क्या, शेल आई गो अहेड, तो यहाँ पे क्या है, पोलाइट वे है कि मैं पोलाइट वे में अपनी ऑफर कर रहा हूँ या फिर सजेशन दे रहा हूँ आपको। शेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं आपके लगेज में काम आपकी हेल्प करूँ, यहाँ भी शेल का इस्तेमाल है, सजेशंस के लिए या ऑफ़र के लिए, यहाँ ऑफ़र है। अब उसके बाद है शुड और हैड बेटर, शुड हम पीछे पढ़ चुके हैं, हैड बेटर का इस्तेमाल है। हैड बेटर इज़ यूज इन अ मोर कोलोक्वल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट समवन हैज़ टू डू टू गिव एडवाइस और ओपिनियन। कोलोक्वल स्पोकन स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, जब किसी को एडवाइस करनी हो या किसी को कोई ओपिनियन देनी हो, तो मीनिंग वही है जो शुड की होती है। यू हैड बेटर गो टू द डॉक्टर, यहाँ पे सजेशन है, यहाँ पे एडवाइस है, यहाँ पे ओपिनियन है कि बेहतर है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक इस्तेमाल इसका वार्निंग के लिए भी होता है, यू हैड बेटर टाइडी योर रूम नाउ, बेहतर है कि तुम अपने कमरे की सफाई करो। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको। थैंक फॉर वॉचिंग।